नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू पाल आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले दिनों 6 तारीख को ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने देख लिया होगा कि SBI अप्रेंटिस का फॉर्म आ चुका है। इसी फॉर्म से जुड़ा हुआ सारा जानकारी, इसका क्या कटअप क्या था लास्ट ईयर, एज क्या मांगा गया, क्या क्वालिफिकेशन खोजा गया है, इस फॉर्म से जुड़ी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और आपका सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर होगा इस फॉर्म से रिलेटेड। आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें ताकि आपका भी सारा डाउट क्लियर हो सके। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि SBI जो अप्रेंटिस है 2021, इसमें अभी कितने पोस्ट के लिए आया हुआ है, तो 6100 पोस्ट के लिए आया हुआ है, 6100 पोस्ट के लिए हुआ है। इससे पहले भी अप्रेंटिस का फॉर्म आ चुका है SBI अप्रेंटिस का पिछले साल, जो कि रद्द कर दिया गया। 8000 अप्रोक्स पोस्ट के लिए आया हुआ था, उसको रद्द कर दिया गया है। उसके बाद न्यू रिक्वायरमेंट निकाला गया है SBI के लिए, जो कि 6000 प्लस वैकेंसी निकाला गया है। जो पिछले बार फॉर्म भरे होंगे SBI अप्रेंटिस का, उनका जो पैसा वो रिफंड हो जाएगा, आपको फिर से ये फॉर्म भरना पड़ेगा। तो देखते हैं ये नए फॉर्म में क्या क्या बदलाव किया गया है और क्या इसका सिलेबस है, आइए देखते हैं। देखिए, इसमें एज मांगा गया है आपका, इसमें एज आपका मांगा गया है, पहला तो एज मांगा गया है कि 20 मिनिमम मांगा गया और 28 मैक्सिमम मांगा गया है। और एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा इसमें, आप OBC से अगर आते हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, और ST SC से आते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे फी। देखिए, पहला नंबर में क्या है, फी कितना मांगा, फी कितना लगेगा। तो जनरल OBC और EWS का आपको 300 रुपये लगेगा फी, और ST SC और PWD को आपको नील, मतलब एक भी रुपया नहीं लगेगा। एडुकेशन क्या मांगा गया, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया, तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। आप किसी सब्जेक्ट से भी बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। देखिए, ड्यूरेशन, क्योंकि ये अप्रेंटिस है ना कि आपको परमानेंट जॉब है, अप्रेंटिस है, तो आपको ड्यूरेशन इसमें दिया हुआ है कि 1 साल इस फॉर्म को अगर आप क्वालिफाई करते हैं, पास करते हैं, तो आपको 1 साल का नौकरी मिलेगा, अप्रेंटिसशिप मिलेगा, जो कि आपका 1 साल का, और आपको जो कि आपको पेमेंट दिया जाएगा 15,000 रुपया पर मंथ। ये स्टेट वाइज भी है, स्टेट वाइज सीट भी निकाला गया है, और स्टेट वाइज लैंग्वेज भी होता है, तो आपको स्टेट में जो भी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज है, उसका आपको ज्ञान होना चाहिए, उसका अलग से टेस्ट होगा। अगर आपका स्टेट का लैंग्वेज जिस स्टेट से आप भर रहे हैं, अगर उस स्टेट का लैंग्वेज हिंदी है, तो आपको लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। हिंदी को छोड़कर बंगला, उर्दू या फिर और भी कुछ, मैथिली आपका कोई सब लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, तो आपको लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज अनिवार्य है इसमें। अब आइए देखते हैं, हम लोग देखते हैं इसमें अब क्या, इसमें सिलेबस क्या है, इसमें सिलेबस क्या है। सिलेबस जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, आपको 25 क्वेश्चन दिया जाएगा, 25 नंबर का, उसके लिए समय आपको दिया जाएगा 15 मिनट का। जनरल इंग्लिश भी पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर का और 15 मिनट इसको भी समय दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एम्पटीट्यूड आपको 25 नंबर का, 25 क्वेश्चन दिया जाएगा 15 मिनट के लिए। और रीजनिंग और कंप्यूटर, रीजनिंग एंड कंप्यूटर मिला के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, उसके लिए भी आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन 100 होंगे और टोटल मार्क्स जो होंगे आपको 100 होंगे, और जो आपको समय दिया जाएगा वो होगा 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप ये क्वेश्चन, ये जो एग्ज़ाम होगा ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। देखते हैं अब हम लोग कि इसमें कैटेगरी वाइज, देखिए इसमें कट ऑफ मांगा, पिछले साल जो इसका एग्जाम हुआ था पिछली बार, तो उसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पे हम लिख दिए हैं। देख लीजिए, कैटेगरी ST SC का कट ऑफ 59 गया था, ST का कट ऑफ 57 गया था, OBC का कट ऑफ 66.25 गया था, और EWS का कट ऑफ 66.25 भी गया था, और जनरल का कट ऑफ 72.75 गया था, और PWD का कट ऑफ 34 गया था। ये 100 नंबर में से मिला, ये मार्क्स निकाला हुआ है, 100 नंबर का, जो पिछले बार भी 100 नंबर का टेस्ट हुआ था। तो ये था जानकारी इस फॉर्म से रिलेटेड। और दोस्तों, एक बात और इसमें लिखा गया है कि आपको अगर ये आप क्वालिफाई करते हैं, ये SBI अप्रेंटिस का फॉर्म अगर क्वालिफाई आप करते हैं एग्ज़ाम को, तो आपको जो इसके बाद अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको जो कलर का वैकेंसी आएगा उसमें आपको वेटेज दिया जाएगा। तो मतलब कुछ छूट आपको, कलर का वैकेंसी आता है, अगर आप कलर का वैकेंसी भरते हैं इसको क्वालिफाई करने के बाद, तो आपको इसका वेटेज कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा उसमें।
उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारे दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इसे संतुष्ट होंगे, आपका भी सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई डाउट, अगर हमसे कुछ छूट गया है, अगर कोई आपके पास डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।